नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने गोल्स के लिए हमेशा फोकस्ड कैसे रहें। तो इसमें जैन जो परंपरा है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है और उस कहानी का टाइटल है द डॉग माइंड एंड द लायन माइंड। नमस्ते दोस्तों, तो इसमें पहले एक कुत्ते के माइंड की साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है कि आप अपने सामने एक कुत्ते को इमेजिन कीजिए। अब यदि आप उस कुत्ते के सामने एक हड्डी फेंकते हैं तो वो कुत्ता बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जाके वो हड्डी उठा के लाता है। अब यदि आप चाहे वो हड्डी एक बार फेंकें या 100 बार फेंकें, वो कुत्ता हर बार उसी एक्साइटमेंट लेवल के साथ जाएगा और हड्डी उठा के आप तक लेके आएगा। वो हर बार फेंकी हुई हड्डी को उसी एक्साइटमेंट लेवल के साथ डील करेगा। और अब हम एक शेर के माइंड की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि यदि आप सोचिए कि आपके सामने एक शेर बैठा है और आप उसी तरह हड्डियां फेंकते हैं जिस तरह आप कुत्ते के सामने फेंक रहे थे, तो जैसे ही आप शेर के सामने हड्डी फेंकेंगे 1, 2, 3 कितनी भी, तो वो उन फेंकी हुई हड्डियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि वो उन हड्डियों से ज़्यादा बड़ी पिक्चर देख रहा है जो कि आप हैं, कि वो पूरा का पूरा आपको ही खा लेगा, उन हड्डियों के पीछे क्यों जाएगा। इसीलिए वो फेंकी हुई हड्डियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि उसके सामने पूरे के पूरे आप हैं जो कि 206 हड्डियों का पूरा एक बंडल है। और अब हम एक शेर के माइंड की साइकोलॉजी के बारे में बात करें, तो यदि कोई चीज जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का हेयर स्टाइल हो या फिर आपके फ्रेंड का व्हाट्सएप स्टेटस, तो यदि ये कोई भी चीज़ यदि आपका ध्यान आकर्षित कर रही है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि आप एक इंसान हैं और हम इंसानों के लिए डिस्ट्रैक्ट होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपको चूज करना है, तो यदि कि आप अपने सामने आने वाली हर चीज़ पर जो भी आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसकी तरफ ध्यान दें, जैसे कि कुत्ता कर रहा था कि वो फेंकी हुई हड्डियों की तरफ बार बार दौड़ के जा रहा था और उसी एक्साइटमेंट के साथ लेके आ रहा था आप तक, तो यही चीज़ यदि आप कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, आलतू फालतू की चीज़ें जो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप या तो ये कर सकते हैं और या फिर आप एक शेर की तरह एक जो कि एक बड़ी पिक्चर अपने सामने देख रहा था, उन फेंकी हुई हड्डियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो अपने सामने एक बड़ी पिक्चर देख रहा था। तो इसी तरह आप या तो छोटी मोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर अपने जीवन में बड़ी पिक्चर देखो, बड़ी इमेज देखो कि हाँ भाई जो जो चीज़ें लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं उनकी तरफ ध्यान दो कि आप अपने सामने आने वाली